हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली में एक खास प्रॉब्लम आ रही है। कल जब मैं बैचेस ले रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत परेशान हैं और उनका फाइनेंशियल ईयर ही दिक्कत कर रहा है। लिख के नीचे आ जा रहा है द डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर। तो ये प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए ये देखते हैं। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 तक का फाइनेंशियल ईयर है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप एंट्री पास करने जाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डीबुक से बाहर आता हूँ, यहाँ पर वाउचर में चलते हैं, यहाँ पे एंट्री पास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेट देखिएगा, ये 31 मार्च 2020 है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1/4/2020, ठीक है, यानी 1 अप्रैल 2019 कर देता हूँ। 1 अप्रैल से ही तो स्टार्ट है, ठीक है, या फिर 1/5/2019 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है तो हम दोनों 19 और 20 दोनों में काम कर सकते हैं, यानी 31 मार्च तक तो 2020 में काम कर सकते हैं और 1 अप्रैल से लेकर 2019 में काम कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया और यहाँ पे डेट भी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आ जाएगा, एंटर 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 प्रेस करके यहाँ पर आ जाइए और फिर एंटर प्रेस करके इसे भी करा लीजिए, एक्सेप्ट परचेज अकाउंट का लेजर लगा लीजिए। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं राइस, तो राइस रखा है 60 किलो राइस ऑलरेडी है, 40 किलो और खरीद लेते हैं, चलिए आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे फुल हो गया, ठीक है, और ये इसके हिसाब से 1800 रुपए कीमत आ गई। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, बकायदा आप एंट्री वगैरह सब पास करते हैं और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है। लीजिए द डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट 1 अप्रैल 2020। ये क्या है, बहुत प्रॉब्लम है ना, ऐसी दिक्कत शायद आपको भी आती होगी। तो ये वीडियो देखिए। अब देखिए इसमें मैं चलता हूँ कंपनी को अल्टरेशन मोड पे लेता हूँ, जो हमने कंपनी बनाई थी ना उसे अल्टरेशन मोड पे ले रहा हूँ। तो ये अल्टरेशन मोड पे ले लिया हमने और अब यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और आते जाइए। बस आप ध्यान से देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, कभी भी फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से ही चालू होता है, ये तो क्लियर है, लेकिन बुक्स बिगिन फ्रॉम, आपका काम कब से शुरू हो रहा है? तो आपने लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020, तो जब काम शुरू होगा उसके पहले का डेट अगर आप रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जब से भी शुरू हो रहा हो, काम आपका कब से शुरू हो रहा है? अच्छा, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, यहां पर भी लिखा हुआ है 2020, ठीक है, तो यहां पर हमें रखना है 1/4/2019, ठीक है, और यहां पर 1/4/2019 रख दिया हमने, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब ये जो है दिक्कत नहीं करेगा आपका, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर यहां पर गलत डाल देंगे तो ये दिक्कत आएगी, ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अब चलते हैं उसी एंट्री को पास करते हैं, तो वी प्रेस किया, ठीक है, और 1 मई वाली एंट्री हम पास करते हैं, यहां पे आते हैं 1/4/2019, ठीक है, 19 वाली एंट्री पास कर रहे हैं, एंटर प्रेस किया, यहां पर आ गए, यहां पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर आ जाएगा, एंटर प्रेस कीजिए और यहां पर आएंगे, परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा और यहां पर अब हम राइस ले लेते हैं फिर से। तो ये राइस ले लिया हमने और राइस मान लीजिए कि 40 किलो चावल हम खरीद रहे हैं और 45 के भाव से खरीद रहे हैं, एंटर प्रेस किया, यहां पर आ गए, ठीक है, और यहां पर आने के बाद अब इसे एक्सेप्ट कराइए। ये एक्सेप्ट कर गया, जब फाइनेंशियल ईयर गलत डालेंगे तो ये दिक्कत आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।